न्यूज़ क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पहुंचे हैं यमुना खादर में। यमुना के तट पर बसे छोटे छोटे खेत हैं और सैकड़ों की संख्या में झुग्गियां हैं। यहाँ पर लोग सब्जियां उगाते हैं। हमने बात करने की कोशिश की कि एक महीने का जो लॉकडाउन चल रहा है, इसने किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित किया, और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बात करने की भी जो सब्जियां बेच रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप पाएंगे कि अचानक ही सब्जियां बेचने वालों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। सारे कारोबार बंद हैं, तो जहां संभव हो पा रहा है लोग सब्जियां खरीद कर सब्जियां बेच रहे हैं। आइए देखते हैं कि एक महीने के लॉकडाउन ने कैसे इनके जीवन को प्रभावित किया है और किस तरह से ये जी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं अपने को जिंदा रखने को, अपने परिजनों को जिंदा रखने को। क्या क्या उगाते हो यहाँ पर आप? पालक, चुकंदर, धनिया, मेथी और ये सरसों अरसों लगाते हैं। अभी क्या मुश्किल हो रही है? एक महीना हो गया बंद हुए, लॉकडाउन हुए। अभी तो मुश्किल का कुछ सौदा बिक भी नहीं रही। खाने को तो तुम आप लाते हो, वही खाते रहते हैं। दाल चावल आते रोजीना। दाल चावल ही आता है। क्या नाम है आपका? सावित्री। कितने लोग हैं आपके घर में? बस ये दो बच्चे हैं और दो जने हम हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बदायूं। तो यहाँ सबको बहुत मुश्किल हो रही है जितने लोग रहते हैं? हाँ, सबको ही हो रही है। तो आज पुलिस वाला आया, क्या बोल रहा था? बोले घर से बाहर मत निकलो, यहाँ पर तो डंडे मारे। यहाँ पर? हाँ, यहीं पर मारे डंडे। तो आप तो घर में कैसे रहोगे? आपने बोला नहीं? हमने बोला, कह रहा कि घर से बाहर मत निकलो। हमने की खाएंगे क्या जब करेंगे नहीं, तो बोले कि खुद सरकार खवाएगी। राशन मिला आपको? हाँ, एक ही बार मिला है हमारे को राशन मिला है। हाँ, कितना? 10 किलो चावल और 10 किलो आटे। अच्छा, 5 किलो दाल बस। वो भी चल रहा है? हाँ, खत्म होने वाला है वो भी। कहाँ के रहने वाले भैया? बिहार का। सब्जी कब से बेच रहे हैं? अभी 2-3 दिन हुआ है, 16 तारीख से। उससे पहले क्या काम करते थे? कंपनी में काम करते थे, कब्जा कंपनी में। फिर क्या हुआ वहाँ पे? सर कंपनी बंद हो गया, फिर बैठे हुए थे। फिर सोचे हम लोग 15 तारीख गाड़ी खुलेगा, गाड़ी नहीं खुला तो ये सब्जी कंपनी। कैसे पैसा जुटाया ये सब्जी के लिए? आप उधार लिए किसी से 400-500 रुपये करके, 1000 रुपये जुगाड़ करके फिर आए सब्जी लेने के लिए, फिर बेच रहे। कितना उधार लिया? 1000 रुपये। कंपनी ने कोई मदद नहीं की? कंपनी ने जो किया वो काम थे वही पैसा दिया था। और अभी कुछ राशन वाशन मिला सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला। 112 पे कॉल कर तो कुछ भी नहीं, अभी मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा। इतने दिन में अभी तो कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं दिया कभी नहीं, खाली 2-3 मैसेज आया हुआ 112 पे से, और कुछ भी नहीं मैसेज अभी भी मेरे मोबाइल में। फिर गुजारा कैसे चल रहा है आपका? वही बस जैसे तैसे चल रहा है। मेरा तो इसका पापा भी चला गया, 2 बच्चे मेरे वहाँ, 2 बच्चे गाँव में फंस गए। पापा कहाँ है? इसका पापा वहाँ ये गाँव में अम्बा पोरसा की तरफ। तो कोठी वालों ने तो पैसा दे दिया होगा ना आपको? तो मेरे को तो मेरे बच्चे बीमार थे ना मैडम, तभी ले आई थी ना मैं धीरे धीरे करके। अब क्या करे, मैं तो चीज भी रख के मैंने क्या कहते हैं बच्चों को बीमारी में लगाया दवाई में। कोठी वाले रखेंगे तो दोबारा नहीं देंगे। बिग फ्रेम फ्रॉम योर फोन। वो दोबारा नहीं देंगे, दोबारा थोड़ी ना देंगे। जितना दिन काम करा दिए एक ही बार का देंगे ना, एक एक महीने का, फिर तो दोबारा देंगे ही नहीं ना वो लोग। दोबारा नहीं देंगे, फिर बुलाएंगे। एक महीने का दे दिया ना हमने काम करा तो वो दे दिया। आपका राशन कार्ड नहीं है? मेरा नहीं, राशन कार्ड नहीं। आधार कार्ड भी इसका पापा ले गया, मेरा नहीं है यहाँ पे कुछ भी नहीं। बस ये 2 बच्चा मैं हूँ, किराए पे रहते हैं बस यहाँ पर। और गाँव गाँव कहाँ है आपका? गाँव मेरा ये इधर अम्बा पोरसा की तरफ पड़ता है, ये भिंड मुरैना सुना है ना वहाँ पे। आप भी यहाँ पर साग तोड़ने आती हैं? मैं आई इनके साथ, मैं भी थोड़ी बहुत ले जाती हूँ सब्जी खाने के लिए। खेतों में सब्जियां उगाने से लेकर मंडी तक सब्जी लाना और फिर उसके बाद इन ठेलों तक सब्जियों का पहुंचना, और इसके दौरान जो लॉकडाउन की मार है, जो पुलिस की मार है, उसके बारे में लोग बताने को बिल्कुल आतुर हैं। सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है कि आम साधारण नागरिक जो मेहनतकश है, मेहनतकश भारत, किस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान अपने को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, और उसके पास एक रत्ती संवेदना सरकार की नहीं पहुंची है।
बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सब्जियां नहीं बेची, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बेचने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़िंदा रहने के लिए कोई और उपाय नहीं है। सवाल सिर्फ सब्जियों का ही नहीं है, तमाम छोटे छोटे उपकरण लोग कर रहे हैं, धंधा करना चाहते हैं ताकि लॉकडाउन में जो आर्थिक मार पड़ रही है उससे वे खुद को और अपने परिवार को बचा सकें, जिंदा रह सकें। पटरी है बाजार जैसे लगता है ना, बाजार लगा अभी भी लगा रहे हैं? नहीं, बाजार तब बंद है। हाँ, अपने जो रहते किराए पर तो उसके घर के सामने लगा रहे हैं। अच्छा, कब से लगाना शुरू किया आपने? ये जब बंद हुआ जब से लगा रहे हैं। जब से बंद हुआ? हाँ, मार्केट जब से बंद हुआ। जब से ये तो पहले आप क्या काम करते थे? पहले बाजार एक काम था, कॉस्मेटिक था, लेडीज आइटम होते हैं ना। वही था। अब तो वो तो दुकान लगेगा नहीं, अब बैठे बैठे तक, अब तीन बच्चे हैं, बीवी है, तो उसको तो खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए तो आदमी कुछ ना कुछ धंधा तो करना चाहिए। तो अभी कितना पैसा आपने लगाया सब्जी में? सब्जी में अभी तो लगाए हैं 2000 रुपये के ले जा रहे हैं बजट। और कितना निकल जाएगा इससे? अरे 200-250 रुपये तो बन जाएगा, तो इतना तो अपना तो खर्चा ही निकले। बहुत से लोग सब्जी लगाने लग गए अभी। हाँ, तो कुछ क्या करें, दूसरा आइटम तो बिकेगा नहीं इस टाइम, अब वही है अपने गलियों मोहल्ला में थोड़ा सा बिक जाए, इसमें अपना दाल रोटी चल जाए खर्चा। एक महीना हो गया लॉकडाउन का। हाँ, क्या सबसे ज्यादा मुश्किल आज है? हाँ, बहुत ज्यादा आपके लिए क्या लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? मुश्किल वही है, बैठे बैठे अब तो खुल जाता था आदमी घर भी चला जाता, अपने अपने गाँव में रहते हैं, अब यहाँ बैठने से किराया तो मकान वाले तो मानेंगे नहीं, इस महीने नहीं लेंगे तो अगले महीने तो जरूर लेंगे। अभी क्या किराया ले रहे हैं? अभी तो नहीं मांग रहे किराया, अगले महीने से तो कहेंगे थोड़ा थोड़ा करके दो, इतने तो कहेंगे, ना तो कहेंगे खाली करो, ये तो समस्या है ना। सब्जी बेचने में कैसे आपने सोचा कि सब्जी बेचें आप? सब्जी यही हमने, आप बैठे जी अपने घर के सब्जी भी खा सकते हैं जो नहीं खरीदें, आज जो बैठे बैठे थोड़ा सा उसमें टाइम पास हो जाए। सबसे ज़्यादा यही मुश्किल है, रोजगार सारा बंद हो गया, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है। बीमारी ना मालूम किसको है, गरीब आदमी लटका रहा है गली गली में, इससे ज़्यादा क्या अन्याय हो सकता है? कोई बड़ा आदमी पिटते देखा है हमने? हमने तो देखा नहीं है, छोटे आदमी पिट रहे हैं, लट खा रहे हैं अपने, क्या करें? घर पे कुछ नहीं होगा तो कोई लट्ठी खा के कुछ देर करेंगे? कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। चलो, हम अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हमारे पोते हैं, इनकी हम भूख बर्दाश्त थोड़ी नहीं कर सकते। कितना लोग अब सब्जी बेचने लग गया? सब्जी बेचने वाला कम से कम जितना बाजार वाले थे ना, इसमें कोई कपड़े बेच रहे थे, कोई कबाड़ी काम कर रहा था, कोई चप्पल बेच रहे थे, वो सब रख रख के आलू प्याज बेच रहे, सब्जी बेच रहे। इतना सब्जी निकल जा रहा है? सब्जी बाजार ना लगने से बहुत सब्जी मंदी बिक रहा। बाजार में क्या होता है कि टाइम टाइम पर बाजार घटते जाता है रेट, जैसे 5 बजे बाजार लगा, 5 से लेकर 9 बजे तक हमारा रेट सही मिलता है, पहला तारीख छट जाता है, उसके बाद में ऐसे देते हैं जो खरीद होता है ना उससे भी मंदा देते, फिर भी भाव सही बना रहता है। जैसे आज आपने कितने की सब्जी खरीदी? खरीदे 17-18 सौ का। 17-18 सौ का, और ये कितने का निकल जाएगा आपका? 17-18 सौ का बाजार होता तो ज़्यादा निकल जाता है, अब इसमें किसी दरवाजे पर जा रहा था 20 मांगा तो 10 मिलता, आगे बढ़ रहे वो इंतजार करते कि फतेले थैली घूम रहा, ये नहीं देगा वो देगा, ये नहीं देगा वो देगा, घूमते घूमते सर में दर्द हो जाता है, जल्दी दे, ऐसे हो जाता है। 4-5 सौ निकल रहा बस, पहले 7-8 सौ निकल रहा था, 4-5 सौ पर आ गए। मैं तो गाड़ी चलाता हूँ और अपने ये काम करता हूँ जो उठावा धरी करते रहता हूँ। अच्छा, तो मुश्किल क्या हो रही है? मुश्किल क्या है, जैसे है ये लॉकडाउन और क्या है, सब खाने पीने की सबको दिक्कत है, हमको क्या है, सबको दिक्कत है ये। इससे मैडम गरीब आदमियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जहाँ तक दिक्कत हो रही है हम वहाँ तक गरीब आदमियों के लिए सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत होती है रोड पे रास्ते में तो उनकी भी दिक्कत है थोड़ी बहुत, हम कर रहे हैं दूर। नहीं, जैसे आपका जो काम है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को पैसा मिल रहा है? आप लोग हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा, जो हमने अभी बीच में 2-3 छुट्टी भी हमें बिठा लिया गया था घर पे, तो उसका भी पैसा काट लिया जी, ठीक है, और बाकी तो। आप कैसे पहुँचते हैं? मैडम जाते हैं शाम को गाड़ी खड़ी करके, वहाँ से अपना पैदल वगैरह जिसका जो भी चीज़ कन्वेंस नहीं है जिसपे, वो पैदल जाता है, जिसपे कन्वेंस है वो अपने कन्वेंस से चला जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी यशपाल है जी। क्या काम करते हैं यशपाल जी आप? मैडम जी हम गाड़ी चलाते हैं मॉल में,
ये राशन के काम में जी राशन डिलीवरी करते हैं आप सारे लोग? सब लोग अलग अलग जगह से हैं, ज़्यादा यूपी से हैं, हाँ जी, एक बिहार और एक आप ग्वालियर से? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि इतने दिन हो गए, एक महीना पूरा हो गया, उसमें आपने देखा, आप तो हर जगह जा रहे हैं, तो जो गरीब को अनाज मिलना चाहिए, मिल पा रहा है लोगों को? नहीं जी, कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। कुछ एरिया ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं लोग, वहाँ तक उन्हें पहुँचने में जो पुलिस वाले बहुत मारते हैं उनको वापसी भेज देते हैं, ठीक है। यानी गरीब आदमी को राशन लेने के लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, स्कूलों में लाइन लगाना पड़ती है, दो दो चार चार घंटे उन्हें बैठना पड़ता है, जब तक आदमी किसी की तबीयत खराब है, किसी को कुछ है। आप लोगों को तो बहुत जोखिम भी है, कोरोना के समय सब लोग बोल रहे हैं कि दूर रहो, अपना रिक्स लेके जो गांव से यहां टले तो अपन भूखे तो नहीं मरेंगे, कुछ तो काम करना ही करना है, काम तो करना ही पड़ेगा। मैडम घर बैठे तो कुछ मिलना नहीं हमें, ठीक है, दो दिन बैठ जाओ भी छुट्टी कट जाती है, काम पे आते तो दो पैसा कमाते हैं, उससे हम अपने बाल बच्चे घर बार को घर परिवार चलता है हम लोगों का। जैसे अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर परिवार खाना पीना कैसे करेंगे, फिर हमें भी ऐसी लाइनों में लगना पड़ेगा या पिटना पड़ेगा फिर पुलिस वालों से? हमने जानने की कोशिश की कि चाहे वो सब्जी उगाने वाले हों या हम तक और आप तक और पूरे देश तक अनाज पहुंचाने वाले हों, वे किन हालात में काम कर रहे हैं और लॉकडाउन ने किस तरह से उनके जीवन को तबाह और बर्बाद किया है, ये सारे लोग बताना चाहते हैं कि भारत को जिंदा रखने वाला जो मेहनतकश हिस्सा है, भारत का मेहनतकश भारत है, वे किस तरह से कितनी मुश्किलों में काम कर रहे हैं। उनके काम के बारे में हम और आप नहीं सोच रहे, उनकी मुश्किलों के बारे में हम आप नहीं सोच रहे, और हमारी सरकारें इन लोगों के बारे में, इनकी सुरक्षा के बारे में, इनके खाने के बारे में अभी तक बिल्कुल सोच नहीं पाई हैं, कोई नीति निर्धारण इनके बारे में नहीं हो पाया है। यह सोचना आज बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सब्जियां और अनाज उगाने वाले लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम तक आप तक पहुँचाने वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक कोरोना से हमारी जो लड़ाई चल रही है वह पूरी तरह से विफल रहेगी।